हम आज बनाएंगे अखा मसूर का पुलाव, और अखा मसूर का पुलाव भी बोल सकते हैं, अखा मसूर की खिचड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए अखा मसूर, ये 1.5 किलो अखा मसूर है जो कि मैंने 2 से 3 घंटा भिगा के रखा है। ये है 2 बटाटा और ये कुछ मसाला जो पीसने के लिए लिया है मैंने, कांदा, अदरक, लहसुन और मिर्ची, ठीक है। और इसमें थोड़ा जीरा भी ले लूँगी। और ये मसाला जो जाएगा ये सब फ्राई होगा, फ्राई करने में है मिर्ची, टमाटर, कांदा और कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैं इतना जीरा इसमें ले रही हूँ और अभी से अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस यहाँ हम चूल्हा अपना जला लेंगे। अब इसके बाद आपको पूरा वीडियो म्यूज़िक में ही देखने मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पानी सूख जाएगा वैसे हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, अगर आप कहीं गए हो और वहाँ से फिर घर आ रहे हो और कंटाल आ रहा है और लेकिन फिर भी बाहर का खाना नहीं खाना है और घर का ही खाना खाना है तो आप ये बना सकते हो। और इसके साथ में आप टमाटर की चटनी बना सकते हो, बहुत ही मज़े का बनता है।